वाला काम पेट्रोल फुल करा रहे थे। राइड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी गाड़ी का पेट भरा होना चाहिए। बहुत दूर पहाड़ जैसा दिख रहा है, गोप्रो से आपको उसकी क्वालिटी नहीं समझ में आएगी। भाई साहब ये मंदिर बहुत बढ़िया है, ऊपर का अगर शिखर इसका जो कम्प्लीट होता तो और सुंदर लगता। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ पर चढ़ने की गलती कर दी, गलत पंगा ले लिया। रहिल्या सूर मंदिर से वापस आएंगे तो आपको रास्ते में पड़ेगा शिव तांडव मंदिर, मदन सागर और छोटी चंद्रिका देवी मंदिर जो इस रोड पे है। जैसे ही आप शिव तांडव मंदिर के पास पहुंचेंगे आपको ये यूपी टूरिज्म का एक बोर्ड मिल जाएगा, शिव तांडव मंदिर करके इसमें लिखा होगा। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। कानपुर टू महोबा का ये एपिसोड नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए। और जिन भाइयों ने देख लिया होगा वो लोग कंटिन्यू करें यहाँ से देखते हुए। वो सामने है शिव तांडव मंदिर शिव जी का, और इधर देख रहे हो ये वही वाला पहाड़ जो मेरे रास्ते में कई जगह मिला, और इधर ये चढ़ाई चढ़ते हुए मैं ऊपर आया, और इधर का ये देख रहे हो भाई साहब क्या नज़ारा है चारों तरफ का। कानपुर टू महोबा के तीसरे एपिसोड तक आते आते फाइनली हमको धूप से राहत मिल गई है। मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, भगवान जी थोड़ी सी धूप कम कर दीजिए, बहुत तेज धूप लग रही है। तो फाइनली भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ऊपर काले काले बादल हैं और टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया और हवा बहुत तेज चली, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे बाल उड़ रहे हैं। इस एपिसोड में जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा शिव तांडव मंदिर हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ दिखाएंगे मदन सागर। आसपास का जो नजारा है एक नंबर है। उस तरफ सूर्य देवता बादलों के पीछे छुपे हुए हैं। शिव तांडव मंदिर के पीछे जो आपने पहाड़ियां देखी थी वो गोखर पर्वत कहलाता है, काफी दूर दूर तक फैला है, और यहाँ पे एक सन पॉइंट भी है। अगर डॉक्टर से मौका मिलेगा तो यहाँ जरूर जाएंगे। यहाँ पर तो देखने में लग रहा है कि यहाँ पे काम चल रहा है, मेरे ख्याल से सौंदर्यीकरण हो रहा होगा, तालाब की जो साफ सफाई हो रही हो रही होगी। ये है मदन सागर और यहाँ पे सफाई चल रही है, दो चार दिन में सफाई हो जाएगी तो फिर बोट भी चलने लगी। देखो सामने मंदिर है, चलिए वहाँ पे भी चलते हैं। अभी देखो इसमें लिखा है नो एंट्री, अंदर जाना सख्त मना है आज्ञा से पुलिस। तो मेरे ख्याल से अभी ये नया बन रहा है तो इसलिए इसे बंद कर रखा, अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। मेरे ख्याल से साफ सफाई के चक्कर में ही वहाँ पे अभी नहीं जा सकते अंदर, तो ठीक है यहीं से देख लेते हैं। ये देखो इधर इतना सारा कूड़ा सा भी है, इधर ये सब कूड़ा साफ सफाई हो रही है। अभी बजा है शाम का लगभग 6 और मैं महोबा से लगभग 5 किलोमीटर बाहर आके अभी मैं नेशनल हाईवे पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो ये हाईवे जा रहा है ये कानपुर की तरफ जाता है, और आई होप आप लोग को कानपुर टू महोबा की जो ये सीरीज है ये पसंद आई होगी। बहुत कसकर प्यास लग रही थी तो मैं दुकान में रुक के एक जगह पानी की बोतल मांगी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये जो पानी की बोतल है ये रिफिल करी गई है, तो मैंने उनको वापस कर दी। फाइनली हमको पानी की बोतल मिल गई है, हमने 40 से 45 किलोमीटर कवर कर लिया है। और अभी मेरे पीछे आप ये देख रहे हो ये एक टोल प्लाजा, पहला टोल प्लाजा क्रॉस किया है तो इसके नीचे इसलिए आया हूँ कि इसके ऊपर एक लाइट है तो थोड़ी सी हमको रोशनी मिलेगी। लगभग इसको लिए हुए आधा घंटा हो गया, मैंने आधा घंटे से इसको टैंक बैग में रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी और शाम का समय है, इसलिए अभी भी ये नॉर्मल से थोड़ी ठंडी है, लेकिन भाई जो मन को राहत मिली है ना चलता हूँ, अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको बताऊँगा। जब पहला टोल प्लाजा क्रॉस करके मैं किनारे बैठ के जब पानी पी रहा था तब मैंने गूगल मैप पे सर्च किया था कि कानपुर कितने दूर है, तब बता रहा था लगभग 107 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा था 3 घंटे के आसपास,
और हमें रियल टाइम बता रहा था 10:30 के आसपास, और मैंने गाड़ी खींच दी। लगभग 17 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई, और अभी मैं घाटापुर से थोड़ा ही पहले हूँ, और अभी बचा है 8:50। और अभी जब मैं देख रहा हूँ गूगल मैप से, तो वो दिखा रहा है 9:40, मतलब हमने 50 मिनट पहले ही उससे खींच लिया। तो अभी हम 37 किलोमीटर लगभग यहाँ से बचा है कानपुर, मतलब मेरा घर, तो जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। take a hand, now I'm fine.